More than 700 million people in rural India are dependent on climate-sensitive sectors for their livelihood, such as agriculture, livestock rearing, and forestry. The changing climate and unpredictable weather patterns are having a big impact on their lives. The future holds the threat of declining crop yields, degraded lands, water scarcity, and food insecurity. पानी की कमी ऐसे हो रही है कि वैसा हो नहीं रही, कुआ बहुत गहरी है, 40-50 हाथ गहरी है कुआ। ये बुंदेलखंड है तो यहाँ पे पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे बरसात कम होती है, तो लोग यहाँ से दिल्ली चले जाते हैं, मतलब पलायन करते हैं यहाँ से। पर यूनिट लैंड जो है उत्पादकता काफ़ी कम है, रोजगार के अवसर यहाँ पर बहुत कम है। कि कभी गर्मी हो जाती है, कभी सर्दी हो जाती है। जो हमारे यहाँ पर जो पेड़ थे वो सब काट दिए, उसी ये कीट हैं, जो बीमारियां हैं ये आती हैं सबसे ज़्यादा। कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से जो मिट्टी की क्षमता है, जो हमारे खेतों की जो उपजाऊ क्षमता है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और जो किसान है उसके लिए पानी और खेती दोनों को बैलेंस करना काफ़ी खर्चीला होता है, तो इसलिए खेती मुनाफे का सौदा नहीं हो पाती है। The Shubhkal Initiative of Development Alternatives works with over 200 native farmers in the semi-arid region of Bundelkhand to understand these issues and jointly find solutions. Through simple demonstrations and training, the farmers' clusters are now enjoying the benefits of drought-resistant seeds, line sowing, sprinkler irrigation, green manure and agroforestry. More and more farmers sowing the seeds for change, adapting to climate uncertainties. पहले तो सब बंजर थी, पहाड़ियाँ थी सरे, इसको हम लोग स्प्रिंकलर मिल गए तो अपना इसमें पौधा हम लोग तैयार कर रहे हैं, गेहूँ गेहूँ सब अपना हो रहा है। किसान लोगों को बतलाया गया कि किस तरह से हमको जुताई करना है, किस तरह से सिंचाई करना है, किस तरह से हमको पानी बचाना है। बदलाव ये देखा है, पहले सबसे पहले मतलब यहाँ पर इसमें हाईब्रिड के बीज सब्जियों में या गेहूँ में उन्नत किस्म के बीज नहीं थे। हम लोग स्प्रिंकलर जो चला रहे हैं उसे सर हम लोग कम पानी लग रहा है, ऐसे हमारे पौधे को पहले 35 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती थी, हमारा 3 लीटर पानी में काम हो रहा है सर। तो अब किसानों को हम जो बात कर रहे हैं कि आप अपने पर यूनिट लैंड पे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता कैसी बढ़ाई जाए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें, फलों की खेती ज़्यादा से ज़्यादा करें, उसके वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, जो यहाँ की मिट्टी है उसके अनुरूप खाद, बिजली, पानी वर्ग जो चीज़ें हैं उनको उस हिसाब से बैलेंस करें। कि हम लोगों का यहाँ ये चेकड्रम जो है इससे पानी हम लोग उठाते हैं सर, पानी रोके पड़े हैं हम, करीबन 20-25-30 किसान हमारा ये पानी स्टोर के सब लोगों को लग जाता है स्प्रिंकलर से। इसमें सर हम लोगों को मिलता था 15-16, एक एकड़ में 15-16 क्विंटल होता था, 25-26 क्विंटल एक एकड़ में हो रहा है सर। किसान क्लब आज बने हुए हैं, किसान क्लब के लिए इंदौर से अच्छे उन्नत किस्म के बीज मंगाए गए, और इन छोटे छोटे संगठनों के किसानों के ग्रुप को बनाकर सरकार के द्वारा जो चल रही योजनाएं हैं उससे जुड़ते हैं, जिससे किसानों में एक समझ पैदा करने के लिए और आपस में संवाद बढ़ाने में काफी फायदेमंद हो रहा है। The lives of our farmers are full of challenges, but by exposing them to good practices and training, and with a little support from policy makers, it is possible to empower them with climate resilient solutions. The promotion of sustainable agricultural practices, along with water and energy efficient irrigation amongst the farmers, provides the opportunity to increase production and reduce carbon emissions. चार साल से प्रथम पुरस्कार मिल रहा है, मेरा आंवला जो है मंडल पर प्रथम आ रहा है। बुंदेलखंड के खासकर झांसी जिले में 20 से 25 गांव में हमारे पास आज के दिन में 400 किसानों का एक मजबूत संगठन तैयार हो गया है। तकनीकियां बढ़ती आ रही, जानकारियां मिलती आ रही हमको, उस प्रकार से हम खेती में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और सरकार के लोगों के भी नीति और नियत में एक समझ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका सारा श्रेय किसानों के संगठन को दिया जा सकता है। Shubhkal is a continued initiative of development alternatives to bring the risks of climate change to the immediate attention of the rural community of Bundelkhand. By exercising the ability to handle climate risks through adaptation and mitigation practices at the grassroots level, it is possible for farmers to secure their livelihoods. Shubhkal has enabled farmers' clusters to cope with climate uncertainties, thus promising a better tomorrow.